ही वॉज एस्टोनिस्ड द चेंज इन हिम। एस्टोनिस्ट मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना या आश्चर्य करना या अचंभित होना, आश्चर्य करना या आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो ना। अब देखो ही वाज एस्टोनिस्ट, वह आश्चर्यचकित था। यहाँ पर जो एस्टोनिस है ना, एस्टोनिस एक वर्ब है लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव है। एस्टोनिस मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना या आश्चर्यचकित हो जाना, यहाँ पर एडजेक्टिव है। अगर वर्ब भी आप मानते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ही वाज एस्टोनिस्ट, वह आश्चर्यचकित कर दिया गया। इसको दो तरह से अर्थ निकाल सकते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कर सकते हो, एडजेक्टिव भी कर सकते हो। तो ही वाज एस्टोनिस्ट, वह आश्चर्यचकित था या वह आश्चर्यचकित कर दिया गया। अब कर दिया गया कैसे या हो गया कैसे या आश्चर्यचकित था कैसे, हिम इन चेंज, उसमें बदलाव के कारण वह आश्चर्यचकित था। ही वॉज एस्टोनिस्ड, वह आश्चर्यचकित था उसमें बदलाव के कारण। के कारण का मतलब ड्यू टू, के कारण, उसमें बदलाव से वह आश्चर्यचकित था विथ, उसमें बदलाव पर आश्चर्यचकित था यानी कि एट, और उसके बदलाव के द्वारा वह आश्चर्यचकित था बाई। चार ऑप्शन आपको दे दिया गया, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। ऐसे में आप असमंजस की स्थिति में पड़ जाओगे कि वह आश्चर्यचकित था, वह आश्चर्यचकित था उसमें बदलाव के कारण, उसमें बदलाव से, उसमें बदलाव पर और उसमें बदलाव के द्वारा वह आश्चर्यचकित था। तो ऐसे में फिर आपको क्या करना है, ऐसे रूल्स को देखना है जो फिक्स प्रीपोजिशन हो। एस्टोनिस्ट जो यहाँ एडजेक्टिव के रूप में लगा हुआ है, इसके साथ हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है, न कि ड्यू टू, विथ और बाय का। तो ऐसे में आपको ये तैयार करना होगा। दूसरा देखो, माई मदर वॉज एनोएड, मेरी माँ नाराज थी। एनोएड मीन्स यहाँ एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। देखो वाज के साथ ना वर्ब में आई एन जी फॉर्म लगता है और आई एन जी फॉर्म नहीं लगा है, तो ये समझ लेना कि अगर ऐसे ई डी लगा हुआ है तो ये थर्ड फॉर्म है, इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे, या तो फिर पैसिव वाइस में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एडजेक्टिव है। एनो मीन्स होता है सताना, खिझाना, परेशान करना, सताना, खिझाना या परेशान करना, इसको वेक्स वेक्स बोलते हैं। वेक्स मीन्स होता है सताना, परेशाना या खिझाना। पेस्टर भी हो सकता है, पेस्टर, पेस्टर मीन्स सताना, खिझाना, परेशान करना। अब माई मदर वाज एनोएड, माई मदर वाज एनोएड विथ मी होगा कि ड्यू टू होगा कि एट होगा कि बाई होगा। अब ध्यान से देखो, मेरी माँ नाराज थी, अब मुझसे कारण, तो ये तो गलत हो रहा है। अब मुझसे ये सही हो रहा है, मुझ पर ये भी सही हो रहा है, या मेरे द्वारा नाराज हो रही थी, तो ये तीनों लग रहा है। लेकिन लगने से नहीं कुछ होता है, जो एनोइड होता है ना, इसके साथ अगर पर्सन है तो विथ का प्रयोग होगा, विथ प्लस पर्सन, विथ प्लस पर्सन। और अगर यहाँ पर कोई थिंग है तो थिंग है तो एट का प्रयोग किया जाएगा। आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ध्यान कैसे दोगे, देखो मेरी माँ मुझसे नाराज थी, मुझसे नाराज थी, मुझ पर नाराज नहीं थी, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। और मेरी माँ मुझ पर नाराज थी तो मैं तो पर्सन निकला। अब माई मदर वाज एनोएड, मेरी माँ नाराज थी, किस पर नाराज थी, माई ब्रदर, तो मेरा भाई जो है वो क्या है, वो भी तो पर्सन ही है, तो यहाँ पर लगेगा विथ, विथ। अब यहाँ देखो, माई मदर वाज एनोएड, मेरी माँ नाराज थी, किस पर नाराज थी, द कलर, कलर पर नाराज थी, किसके कलर पर, ऑफ द हाउस, घर के कलर पर नाराज थी, बिकॉज द कलर वॉज नॉट कैची, क्योंकि वो कलर आकर्षक नहीं था। तो अब जो ये कलर है ये पर्सन तो है नहीं, तो जब पर्सन नहीं है और यहाँ पे एनोइड है तो इसके साथ एट का प्रयोग होगा। याद रखना,
एनोइड के साथ कोई पर्सन है तो विथ का प्रयोग, एनोइड के साथ कोई थिंग है तो एट का प्रयोग, एस्टोनिस्ट के साथ कुछ भी है तो एस्टोनिस्ट के साथ एट का ही प्रयोग होगा। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज हम लोग 10 ऐसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन सीखेंगे जो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, बाकी अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होगा। पढ़ो ध्यान से, इसको कई बार देखोगे तो याद हो जाएगा। चलो साथ और शुरू करते हैं। ही वॉज असेम्ड, असेम्ड मीन्स होता है लज्जित, असेम्ड मीन्स लज्जित, असेम्ड मीन्स शर्मिंदा। असेम्ड के दो मीनिंग होंगे और यह पूरी तरह से एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। असेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा या लज्जित। एबॉस्ड मीन्स भी होता है शर्मिंदा या लज्जित, एबॉस्ड मीन्स शर्मिंदा या लज्जित। तो आई वॉज असेम्ड, मैं लज्जित था, मैं शर्मिंदा था। हीज बिहेवियर, उसके व्यवहार से शर्मिंदा था विथ, उसके व्यवहार पर शर्मिंदा था एट, उसके व्यवहार के द्वारा शर्मिंदा था बाई, और उसके व्यवहार के कारण शर्मिंदा था ड्यू टू। अब इन चारों प्रीपोजिशन में जब आप हिंदी में अर्थ निकालोगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि चारों के चारों सही हैं। तो ही वॉज असेम्ड विथ हिज बिहेवियर, यानी कि उसके व्यवहार से मैं असेम्ड था, शर्मिंदा था। मैं शर्मिंदा था हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार पर शर्मिंदा था, बिल्कुल सही है। मैं उसके व्यवहार के द्वारा शर्मिंदा था, बिल्कुल सही है। मैं उसके व्यवहार के कारण शर्मिंदा था, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं बताऊँ तो ये चारों को चारों गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि असेम्ड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है फिक्स प्रीपोजिशन। तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि असेम्ड यानी कि लज्जित होना, शर्मिंदा होना के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा देखो, नमामि गंगे, नमामि गंगे स्कीम, योजना, योजना को आप प्लान भी बोल सकते हो, ऑपरेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नमामि गंगे इज एसोसिएटेड, अब गंगा, ये गंगा से संबंधित है। गंगा को अगर हम पर्सन मान लेते हैं, वैसे तो ये थिंग है, नदी है, लेकिन अगर मैं कोई नाम यहाँ लिख दूँ, नमामि गंगे स्कीम इज एसोसिएटेड, और मैं यहाँ मोदी कर दूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मोदी नाम है। अब यहाँ ध्यान देना है कि नमामि गंगे जो स्कीम है, परियोजना है, योजना है, वह एसोसिएटेड मतलब होता है संबंधित। एसोसिएट एक वर्ब मिलेगा आपको, एसोसिएट माने होता है संबंधित होना, एसोसिएट मीन्स होता है संबंधित होना, मॉड्यूलेट मीन्स भी होता है संबंधित होना, मॉड्यूलेट। अब संबंधित होना के साथ अगर यहाँ पर कोई पर्सन है, यदि यहाँ पर कोई पर्सन है तो विथ का प्रयोग किया जाएगा, अगर कोई कार्य है तो फिर इन का प्रयोग किया जाएगा, याद रखना। एसोसिएट के साथ एसोसिएटेड जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो एसोसिएटेड के बाद अगर कोई पर्सन रहेगा तो विथ का प्रयोग होगा, और अगर कोई कार्य रहेगा तो इन का प्रयोग होगा। देखो कैसे, नमामि गंगे स्कीम इज एसोसिएटेड, नमामि गंगे योजना जो है संबंधित है विथ मोदी, मोदी पर्सन है तो पर्सन के साथ हमने विथ लगा दिया एसोसिएट के साथ। अब माई ब्रदर इज एसोसिएटेड, मेरा भाई संबंधित है, मेरा भाई उससे कनेक्टेड है, एसोसिएटेड का मतलब कनेक्टेड हो जाएगा, संबंधित है। अब किससे संबंधित है? माय स्टडी, ये जो मेरी स्टडी है ना, एक बिजनेस है, एक कार्य है, तो कार्य के पहले एसोसिएट के साथ इन का प्रयोग होगा, यानी कि एसोसिएटेड इन का प्रयोग किया जाएगा। अगर पचवां देख लें, ये तीसरा हुआ और ये चार में ही आएगा, पचवां देख लें। एक है जैसे माय ब्रदर, ब्रदर इज, और यहाँ हमने लिख दिया अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, ये एडजेक्टिव है। सारे जो मैं बता रहा हूँ ना, सब में ईडी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्ब है, देखो डी लगा हुआ है, अफ्रेड, डरा हुआ। तो माय ब्रदर इज अफ्रेड,
और यहाँ मैंने लिख दिया किससे डरा हुआ है, ड्रिंकिंग से डरा हुआ है, यानी कि शराब पीने से, शराब पीने से। तो अफ्रेड के साथ आफ का प्रयोग किया जाता है कब, अफ्रेड के साथ आफ का प्रयोग किया जाता है कब, जब यहाँ पर कोई भी थिंग हो, समथिंग, कुछ भी हो, समथिंग मतलब कुछ, कुछ भी हो, तो हम अफ्रेड के साथ हमेशा आफ का ही प्रयोग करते हैं। अब कुछ भी हो का मतलब जैसे ऐसे देख लो, आई वाज अफ्रेड, आई वाज अफ्रेड ऑफ माई मदर इन माई चाइल्डहुड, मैं अपनी माँ से बचपन में डरा हुआ था। तो यहाँ अफ्रेड के साथ जो यहाँ देख रहे हो ना पर्सन आ रहा है, तो भी आफ का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ अफ्रेड के साथ यहाँ कुछ भी आ रहा है, ये नाउन है जिरंड फॉर्म, तो भी आफ का प्रयोग। वह शेर से डरा हुआ था, तो ही वाज अफ्रेड ऑफ लायन होगा, यानी कि अफ्रेड के साथ हमेशा आफ का ही प्रयोग किया जाएगा। एक बार और दोहरा लेते हैं, एस्टोनिस्ट के साथ आफ का प्रयोग होगा, एसोसिएटेड के साथ अगर पर्सन है तो विथ का प्रयोग होगा, और एसोसिएटेड के साथ अगर कोई बिजनेस है, कोई कार्य है, तो इनका प्रयोग होगा, और अफ्रेड के साथ कुछ भी है, समथिंग यानी कि पर्सन है, यहाँ पर पर्सन है और यहाँ पर कोई थिंग है या कुछ भी है, तो हमेशा अफ्रेड के साथ आफ का ही प्रयोग होगा, याद रखना। ही इज accused, accused means होता है दोषी, accused means दोषी, दोषी या मुलजिम, मुलजिम यानी कि इसको, ये adjective है, ठीक है, adjective है, पहला बात तो ये है adjective। और दोषी जो होता है, respondent means भी होता है दोषी, respondent, respondent means भी दोषी होता है। तो ही इज दोषी, सॉरी He is accused, वह दोषी है, किस चीज़ के दोषी है, theft, चोरी में दोषी है, in, चोरी के लिए दोषी है, चोरी से दोषी है, चोरी के कारण दोषी है, due to। अब हमको फैसला लेना है कि इस चारों में से क्या है। तो he is accused, वह दोषी है, अब किस चीज़ का दोषी है, theft means होता है, थेफ्ट मीन्स होता है चोरी, यानी कि चोरी का दोषी है, यानी कि उसने चोरी किया है। तो एक्यूज्ड के साथ क्या लगेगा, चोरी में दोषी है, चोरी के लिए दोषी है, चोरी से दोषी है, चोरी के कारण दोषी है। तो अब ध्यान दो, जो एक्यूज्ड होता है उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अब यहाँ थेफ्ट ही रहेगा तो नहीं, थेफ्ट के अलावा रॉबरी यानी कि डकैती, अगर रॉबरी रहेगा तो भी, क्राइम रहेगा तो भी, इसके साथ ऑफ का ही प्रयोग होगा एक्यूज्ड के साथ। तो ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट कर सकते हो, एक्यूज्ड ऑफ रॉबरी कर सकते हो, एक्यूज्ड ऑफ क्राइम कर सकते हो, या एक्यूज्ड ऑफ इस तरह का कोई भी ब्लफ होता है, चीट होता है, डकैती होती है, तो उसके लिए आप एक्यूज्ड, यानी कि जब दोषी वो ठहराया जाएगा तो उसके लिए आप ऑफ का प्रयोग करोगे। ही इज एक्यूज ऑफ थेफ्ट, एक्यूज ऑफ रॉबरी, एक्यूज ऑफ क्राइम। नेक्स्ट देखो, आई वॉज नॉट एक्वाइंटेड, एक्वाइंटेड, एक्वाइंटेड मीन्स होता है परिचित, परिचित का मतलब आप फेमिलियर भी कह सकते हो, फेमिलियर। और मैं ऐसे वर्ड को लिया हूँ जो ईडी लगे हुए हैं, जैसे आपको लगेगा कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन वास्तव में ये भी एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के साथ फेमिलियर मतलब होता है परिचित या जान पहचान का। आई वॉज नॉट एक्वेंटेड यानी कि मैं परिचित नहीं था, किससे परिचित नहीं था, इन एनी फ्रेंड किसी मित्र में परिचित नहीं था, फॉर किसी मित्र के लिए परिचित नहीं था, किसी मित्र से परिचित नहीं था, किसी मित्र के कारण परिचित नहीं था। प्रीपोजिशन दो चार और मैं दे दूंगा, आप देखोगे कि क्या लगना चाहिए, लेकिन आपको कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। जब भी एक्वाइंटेड आ जाएगा, एक्वाइंटेड यानी कि परिचित, तो इसके साथ विथ ही लगेगा, चाहे यहाँ पर कोई पर्सन हो, पर्सन हो या
थिंग हो हमेशा एक्वेंटेड यानी कि परिचित के साथ विथ ही लगेगा। एक्वेंटेड विथ एनी फ्रेंड इन दैट सिटी, मैं उस शहर में किसी भी मित्र से परिचित नहीं था। ही वॉज नॉट एक्वेंटेड, एक्वेंटेड आ गया ना, और यहाँ पर पर्सन है तो एक्वेंटेड और पर्सन के बीच में विथ का प्रयोग होगा, विथ। अब यहाँ देखो समवन कोई था एक्वेंटेड यानी कि परिचित दिस टाइप ऑफ पेंस यानी कि इस प्रकार की पेन से कोई न कोई परिचित था। तो पेन से इस प्रकार की पेन से, तो देखो दिस टाइप ऑफ पेन से यहाँ थिंग आ गया और यहाँ एक्वेंटेड आ गया, तो थिंग होगा तो भी और पर्सन होगा तो भी यहाँ पर एक्वेंटेड के साथ विथ का ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखो ही इज एक्स्टम्ड, एक्स्टम्ड मीन्स होता है आदि होना, लत लगना, और गुड थिंग के लिए लत लगना, ऐसा नहीं है कि वो बेकार थिंग के लिए लत लगना। तो एक्स्टम्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन केवल टू का प्रयोग से मतलब नहीं है, एक्स्टम्ड के साथ हमेशा जीरंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना। सेलिब्रेटिंग होली यानी कि वह होली मनाने का बहुत लती है, आदि है। एक कस्टम्ड टू माने होता है लती होना या आदि होना। इसी से रिलेटेड एक और है एडिक्टेड टू, उसके साथ भी एडिक्टेड के साथ भी टू का प्रयोग किया जाता है प्लस जीरंड फॉर्म और फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज एडिक्टेड, एडिक्टेड का मतलब होता है आदि होना या लत लगना। एडिक्ट मीन्स होता है एडिक्ट, एक वर्ब है एडिक्ट एडिक्ट मीन्स आदि होना, लत लगना। अब यहाँ जो एडिक्टेड लिखा है ना, ये एडजेक्टिव हो गया, तो ही इज एडिक्टेड वह लती है, वह आदि है। किस चीज़ का आदि है? स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करने का। धूम्रपान से मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे सिगरेट, दारू, शराब, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एडिक्टेड के साथ टू का प्रयोग किया जाएगा फिक्स प्रीपोजिशन, और टू के बाद जीरंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दोनों को याद रखना है, एडिक्टेड और एक्स्टम्ड। एक्स्टम्ड टू मीन्स भी होता है लती होना, आदि होना, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए, और एडिक्टेड मतलब होता है लती होना, लती हो जाना, आदि हो जाना, लेकिन बैड थिंग के लिए। तो इसके साथ भी टू का प्रयोग किया जाता है प्लस जीरंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और जो एक्स्टम्ड टू होता है उसके साथ भी टू का प्रयोग किया जाता है और जीरंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ देखो आई वॉज डिसक्वालीफाइड, डिसक्वालीफाई वर्ब है, डिसक्वालीफाई वर्ब है, इसका मतलब होता है अयोग्य हो जाना या उसको पास न कर पाना, अयोग्य हो जाना। तो आई वॉज डिसक्वालीफाइड मतलब मैं अयोग्य हो गया या अयोग्य था। किसमें अयोग्य था? जंपिंग, कूद में। कहाँ? इन फिजिकल एग्जाम में, जो शारीरिक परीक्षा थी उस परीक्षा में जो जंपिंग थी यानी कि जो कूद थी उससे मैं डिसक्वालीफाइड हो गया। तो उससे डिसक्वालीफाइड हो गया, से आ रहा है, तो से के लिए बहुत से मीनिंग है, जैसे टू होता है, बाई होता है, विथ होता है, फार होता है, लेकिन हमको यहाँ देखना है कि डिसक्वालीफाइड के साथ क्या लगेगा। तो डिसक्वालीफाइड के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है और फ्रॉम के साथ यहाँ पर जीरंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ मीनिंग्स जो आपको ऐसे जो एडजेक्टिव की तरह दिखते हैं, एडजेक्टिव की तरह नहीं वर्ब की तरह दिखते हैं लेकिन होते एडजेक्टिव हैं, इनके साथ जितना भी मैंने लिया है ये एडजेक्टिव सब में ईडी लगा हुआ है और सब लग रहे हैं ऐसे कि ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव है। और इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये वाला मैंने 10 मीनिंग दिया है, और 10 का ये सीरियल चलता रहेगा, आप देखो या ना देखो, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा है, लेकिन ये सीरीज चलता रहेगा फिक्स प्रीपोजिशन का। तो अगर वीडियो पर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कब? अगर अंग्रेजी पढ़ने वाले हो तब। मित्रों में शेयर, लाइक।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।